महाभारत में कुंवारी कुंती को अपनी भूल के कारण दुर्वासा मुनि द्वारा दिए गए मंत्र को जांचने के फलस्वरूप सूर्यदेव से एक बालक प्राप्त हुआ था, परंतु लोक लज्जा के भय से कुंती ने उस बालक को गंगा जी में बहा दिया था। वह बालक गंगा में बहता हुआ एक किनारे से जा लगा। उस किनारे पर ही धृतराष्ट्र का सारथी अतिरथ अपने अश्व को जल पिला रहा था। उसकी दृष्टि मंजूषा में रखे हुए इस शिशु पर पड़ी। अधिरथ ने उस बालक को उठा लिया और अपने घर ले गया। चूंकि अधिरथ निसंतान था, अधिरथ की पत्नी का नाम राधा था। राधा ने उस बालक का अपने पुत्र के समान लालन पालन किया। उस बालक के कान बहुत ही सुंदर थे, इसलिए उसका नाम कर्ण रखा गया। इस सूत दंपति ने ही कर्ण का पालन पोषण किया था, इसलिए कर्ण को सूत पुत्र कहा जाता था, तथा राधा ने उसे पाला था, इसलिए उसे राधे भी कहा जाता था। कर्ण दुर्योधन का पक्का मित्र था। दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बना दिया था। कर्ण यह नहीं जानता था कि उसकी असली माँ कौन है, परंतु उसे यह पता चल गया था कि उसके पिता सूर्यदेव हैं। बहुत समय तक कर्ण और दुर्योधन साथ रहे, परंतु भीष्म पितामह ने यह कभी नहीं बताया कि तुम कुंती पुत्र हो और पांडवों के भाई हो। भीष्म जानते थे कि कर्ण पांडवों का ही भाई है, लेकिन उन्होंने ये बात कौरव पक्ष से छिपा कर रखी। कर्ण का सत्य छिपाना भी महाभारत युद्ध का एक बड़ा कारण बना। यह बात भीष्म ने ही नहीं, श्री कृष्ण ने भी छिपा कर रखी थी। खुद कर्ण भी जब युद्ध तय हो गया, तब इस रहस्य को जान पाया था कि वह कौंतेय है। कुंती भी राजमहल में कौरवों के बीच ही बहुत समय तक रही, और बाद में वह महात्मा विदुर के यहाँ रहने लगी थी। कुंती भी यह जानती थी कि कर्ण मेरा पुत्र है, परंतु कुंती ने यह कभी नहीं जाहिर किया। यही बात श्री कृष्ण को भी बहुत पहले से पता थी, और वे भी कर्ण से कई बार मिले, परंतु उन्होंने भी कभी इस बात को जाहिर नहीं किया। हालांकि यह बात श्री कृष्ण ने ही पहली बार कर्ण को बताई थी कि तुम कुंती के पुत्र हो। श्री कृष्ण ने जब यह बात बताई, जब वह कौरवों से पांडवों की ओर से अंतिम बार शांति प्रस्ताव लेकर गए थे, और वहां उन्होंने 5 गांव की मांग की थी, परंतु जब दुर्योधन ने उनकी मांग ठुकरा दी, तो फिर श्री कृष्ण को समझ आ गया कि अब युद्ध तय हो चुका है। ऐसे में उन्होंने महात्मा विदुर के यहाँ रुकने के दौरान कर्ण को बुलाया और वे दोनों एकांत में गए। वहाँ श्री कृष्ण ने कर्ण को यह राज बता दिया कि तुम्हारी माता कुंती है और पांडव तुम्हारे भाई हैं। यह जानकर कर्ण को बहुत धक्का लगा था, और उन्होंने श्री कृष्ण से वचन लिया कि आप यह बात पांडवों को नहीं बताएंगे। इसके बाद कर्ण से मिलने के लिए कुंती भी एकांत में गई थी, और उन्होंने कर्ण से इसके लिए क्षमा भी मांगी थी। कुंती कर्ण के पास गई और उससे पांडवों की ओर से लड़ने का आग्रह करने लगी। कर्ण को मालूम था कि कुंती मेरी माँ है। कुंती के लाख समझाने पर भी कर्ण नहीं माने, और कहा कि जिनके साथ मैंने अपना अब तक का सारा जीवन बताया है, उसके साथ में विश्वासघात नहीं कर सकता। तब कुंती ने कहा कि क्या तुम अपने भाइयों को मारोगे। इस पर कर्ण ने बड़ी ही दुविधा की स्थिति में वचन दिया कि माते, तुम जानती हो कि कर्ण के यहाँ याचक बनकर आया कोई भी खाली हाथ नहीं जाता है। अतः मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अर्जुन को छोड़कर मैं अपने अन्य भाइयों पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। जब कर्ण का वध हो गया, उसके बाद उसके दाह संस्कार के समय ही दुर्योधन को यह बात पता चली कि कर्ण कुंती पुत्र था, और यह जानकर सब लोग हैरान रह गए थे। तो दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।